हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज हमारे पास थ्री पार्टिसिपेंट्स हैं, और आज का जो हमारा क्लासरूम एक्टिविटी होने वाला है, इसमें हमारे पास कुछ वैकबुलरी के कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे, और इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे ये थ्री पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास विनर कौन है। तो मैं चाहूंगा ऑडियंस को, मैं पहले वर्ड दिखा दूंगा, दिखा देना चाहता हूँ, इधर आ जाइए। हमारे पास यही सारे वर्ड्स हैं, जरा एक नजर मैं आपको डाल दूं फटाफट, मैं बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब करूंगा। पहले हमारे पास वर्ड है वेस्टमिरिच, जिसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है ना, डिफाइल, ठीक है, डिसरिप्यूट होता है, जिसका हम लोग हिंदी में सीधे समझते हैं कलंकित। और दूसरी की बात करेंगे चाइल्ड, सबको पता है स्कॉल्ड, डांटना, फटकारना, रिप्रीमेंड। कैप्चुलेट का मतलब होता है सरेंडर, वर्ब है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताइए, भी हमारा एडजेक्टिव है ये हमारा वर्ब, जल्दी से बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन रहेगा हमारा, वर्ब के भी सेंस में इस्तेमाल होगा, नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, दोनों होगा, ठीक है ना। उसके बाद विटेल का पता है डिक्रीज, लेसन, घटना। प्रोलिफिक का आता है फर्टाइल, उपजाऊ। इनसिपिड हम लोगों के पास एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है टेस्टलेस, बोरिंग, बेसवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। एड आपको पता है कि हेल्प होता है, सकर होता है, जिसका मतलब होता है मदद, ठीक है ना। और इनसिपिएंट हमारा वंस अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा हमारा, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बिगनिंग। नेसेंट, आपने सुना हुआ नेसेंट ऑक्सीजन केमिस्ट्री में, नवजात जिसको कहते हैं, नौसिखिया कहते हैं, ठीक है। सर प्लस आपको जाना पहचाना है, जिसका मतलब होता है अबंडेंस, पर्याप्त, सफिशियंट जिसको कह सकते हैं। डिफिसिट का मतलब कमी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन रहेगा, ये भी हमारा नाउन रहेंगे। चलिए, नॉसियस एडजेक्टिव रहेगा, हार्मफुल, ये चीज को याद रखेंगे, फैटल, खतरनाक, घातक। और डिस्पाइज हमारा वर्ब रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये हमारा एडजेक्टिव है। चलिए, और डिटेस्ट होगा, हेट होगा, नफरत करना जिसको। एडजॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना साथी। और हम लोग के पास जो नया नेक्स्ट वर्ड है स्टैसी, आपको पता है परम सुख जिसको कहते हैं, परम सुख आनंद, बहुत ज्यादा जो शांति मिलती है। आगे है प्यूराइल, और प्यूरियल भी कह सकते हैं, इमैच्योर, ठीक है ना, जो मैच्योर नहीं है, और जो नॉविस भी कह सकते हैं। स्लीथर एक वर्ड नया होगा आपके लिए, बिल्कुल नई तरीका से, जिसका मतलब होता है रेंगना, फिसलना, खिसकना, ठीक है ना। और हैगर्ड एक वर्ड है जी एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है थका हुआ, हैगर्ड का मतलब थका हुआ, ठीक है ना, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्स्टिनेट हम लोगों का जिद्दी मीनिंग होता है, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, एडामेंट एंड मूलिस, मूलिस ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए, पहले टेबल का मतलब है टेस्टी, लाविश एंड सम्प्टुअस। सम्प्टुअस का मतलब है हमारे पास वही, क्या कर सकते हैं, देख रहे हो ना, लाविश, टेस्टी माने स्वादिष्ट, ठीक है। और हमारा एस्टॉन्ड हमको याद रखना है, एस्टॉन्ड का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित जिसको हम कह सकते हैं। एमेज्ड भी हमने बताया, एक नया टर्म फिर से सीखिए, बहुत न्यू होगा आपके लिए, फर्स्ट टाइम सुन रहे। पैग्नेशियस, 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 पैग्नेशियस का मतलब होता है क्वारलसेम, बेलिकॉज, बेलिजेरेंट है, जिसका मतलब है लड़ाकू, ठीक है ना, लड़ाकू, जिसमें आप समझते जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। लॉर्ड एक टर्म है हमारे पास, एडमायर, प्रशंसा करते, इलॉजी कहते हैं, अप्रिसिएशन कहते हैं। एक हिम होता है, एच वाई एम एन, याद रखिएगा, हिम का मतलब होता है प्रशंसा गीत। एक हमारे पास पोएम आपने पढ़ा होगा जब 12 किए होंगे, फायर हिम, एक हमारे इंग्लिश हिंदी राइटर है जो इंग्लिश में लिखा करते हैं, एक्चुअली इंडियन है ऐसे कहें, जो इंग्लिश में लिखा करते हैं, उनका नाम है केकेएन दारूवाला, उन्होंने आपने एक पोएम उनका पढ़ा होगा फायर हिम, तो हिम का मतलब ही प्रशंसा होता है, उसने आके प्रेज की है। और परपेचुअल आप कॉमन है, परमानेंट, अस्थायी, और पेरेनियल, और फोरे आपको पता है भाई, जांच पड़ताल होता है, आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में होगा तो जरूर आपने सुना होगा, सीबीआई का रेट पड़ा है, ठीक है ना। तो ये है हमारा, आइए अभी न्यू वर्ड्स में हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हमारे जो भी थ्री पार्टिसिपेंट्स है, आ जाइए आप सामने। गोविंद जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इनसे रैंडमली 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 हमारे पास 5 क्वेश्चन है, मैं मात्र 5 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है, आप अपना स्कोरिंग लेकर के तैयार रहेंगे, आप भी आ जाइए सामने, ठीक है। सवाल, हाँ वहीं से, पहले नाम लिख लीजिए, गुंजन है हमारे पास, और सेकंड पार्टिसिपेंट हमारे पास नीतीश है, और थर्ड मोनू, जाना पहचाना ये चेहरे हैं आपके लिए इंग्लिश क्लब के लिए। तो चलिए सवाल हम शुरू करते हैं, सबसे पहले
हमारा जो पहला सवाल है वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 8 ऑडियंस को दिखाई दे रहा है, एक बार आपने देख चुका है। आपके लिए एक वर्ड है हमारे पास एड, ए आई डी एड, क्या होता है? एड मीन्स बाय, एड जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल है, हेल्प या सोजर या सक्कर जिसको हम लोग कहेंगे, हेल्प मदद। चलिए इनको मिलेंगे प्लस वन, एक के लिए एक रखेंगे फाइव, चलिए एट। चलिए नीतीश जी आपके लिए एक वर्ड है हमारे पास डिफिसिट, डिफिसिट क्या मतलब लैक ऑफ होता है, कमी, स्कार्सिटी बोलिएगा। चलिए ये है मोनू आपके लिए टर्म, एक वर्ड है अस्टाउंड, ए एस टी ओ यू एन डी, अस्टाउंड मींस क्या होता है, अमेज्ड। चलिए पहला राउंड खत्म होता है, तीनों ने करेक्ट आंसर दिया है, सेकंड राउंड शुरू होता है मोनू आपसे ही, आप बताइएगा स्लीपर, सीधे में स्लैंग ना सर, क्रीप, क्रॉल, क्रीप होता है, क्रॉल होता है, ठीक है ना, क्रॉल जिसको कहते हैं, क्रॉल रेना। चलिए आपके पास है नीतीश जी आपके लिए एक वर्ड है, बहुत कॉमन है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा, ऑब्स्टिनेट नेचर का है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट या म्यूलिस, हाँ क्या एडमेंट, बता दीजिए ऑडियंस को क्या होता है हमारा, जल्दी से बताइएगा, अभी मैंने बताया था द बच्चा ऑब्स्टिनेट नेचर का है, जिद्दी नेचर का, हाँ यही मैं सुना था, बच्चा जिद्दी है, इनको भी प्लस वन देंगे। चलिए अब आपके लिए गुंजन आपके एक वर्ब ले लेंगे, आप चाइल्ड का मतलब बताइएगा, स्कॉल्ड या रिप्रीमेंड, या रिप्रीमेंड, स्कॉल्ड या रिप्रीमेंड जिसका मतलब होगा आपको डांटना, काफी इंटरेस्टिंग है। अब तक सेकंड राउंड खत्म हो चुके हैं और सेकंड राउंड में भी प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स ने, तीनों प्रतिभागियों ने कॉन्टेस्ट में सही जवाब दिया है। चलिए गुंजन आपका थर्ड राउंड आपसे शुरू होगा, आपके लिए एक टर्म हम लेकर आए हुए हैं, वो रहेगा आपका एडजेक्टिव इनसिपिड, आई एन एस आई पी आई डी, इनसिपिड, बताइएगा क्या होता है, फर्टाइल। चलिए सॉरी एक और अटेम्प्ट है, इनसिपिड जल्दी से सोचिए, बिगिनिंग, चलिए सॉरी बताइएगा, यही क्वेश्चन पास हो रहा था, ये प्रेज के सेंस में ह्यूमन में एक वर्ड है, ह्यूमन के सेंस में आता है, ह्यूमन के सेंस में आता है, प्रेज के सेंस में, इनसिपिड, इनसिपिड, आई डोंट लाइक टू दिस क्लास, इट्स टोटली इनसिपिड, आई डोंट लाइक, बोरिंग, बोरिंग के सेंस में आता है, या बोरिंग, हां हेल्प किया गया है, हाफ मार्क्स देंगे इनको, रेंज में है, आपको माइनस वन मिलेगा गुंजन को, थर्ड राउंड है, दो सही किया, एक आपको निगेटिव है, आपने दो सही है, इसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत गुड सेंटेंसेस किए। और मोनू आपके लिए है, आपके लिए एक एडजेक्टिव लेकर आया हूँ, हमारा नंबर है पैलेटेबल, क्या होता है, टेस्टी, सम्पूर्ण, वाह क्या बात है, पैलेटेबल का मतलब होता है साथी साथी टेस्टी, स्वादिष्ट। तो चलिए थर्ड राउंड में आप स्कोर फिर से बता देता है, मोनू आपका चांसेस 3 out of 3 है, नीतीश जी आपने एक क्वेश्चन थोड़ा हेल्प चाहिए था आपको, आप मार्क्स दिए गए हैं, और गुंजन आपने एक अटेम्प्ट को दिया। चलिए फोर्थ राउंड की शुरुआत करते हैं, मोनू आपके लिए एक वर्ड लेकर आया हूं, हैगर्ड, हैगर्ड मतलब हैगर्ड, आई थिंक नो नो आई डोंट मेक सेंटेंस, इफ आई मेक सेंटेंसेस हियर यू कैन गेट द वर्ड इजीली, मतलब क्वाड्रेंसम होता है और ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, मैग्नेशियस का मतलब मैंने बताया था आपको, बिल्डिंग में ये होता है क्वाड्रेंसम, झगड़ालू कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं। चलिए प्लस वन देंगे, और ये है हमारा फोर्थ राउंड का अंतिम क्वेश्चन, गुंजन आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन ले लेंगे, आप बताइएगा नोसियस, एन ओ एस आई ओ एस, नोसियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, आपको अर्थ बता देना है, हार्मफुल या फेटल। चलिए हार्मफुल या फेटल, चलिए चार राउंड खत्म हो चुके हैं, ऑडियंस से मैं बताना चाहूंगा, 4 out of 4 लेकर पहले स्टार्ट तो बने हुए हमारे मोनू, और 4 and 3 and a half आप है, और गुंजन आपका है 3, क्योंकि एक सवाल आपने आंसर गलत किया था। चलिए अब ये जो क्वेश्चन होगा एक मार्क्स का नहीं होगा, सीधे इस क्वेश्चन का जो चुकी लास्ट राउंड है और इसका मार्क होंगे टोटल के टोटल 5, तो मैं आपके लिए ऐसा मौका लेकर आया हूं जो कोई भी विनर यहां से बन सकता है, यदि आप आंसर करते हैं तो आपके हो जाएंगे +8, नीतीश जी आपके हो जाएंगे 4 and a half, और मोनू आप टोटल के टोटल, आप आंसर सही करते हैं तो आपको मिलेंगे
प्लस सिन। तो चलिए स्कोरर, थैंक यू, आपने मुझे हेल्प किया। और फाइनल राउंड है प्लस फाइव के लिए, काफी इंटरेस्टिंग होगा। और चलिए गुंजन, आपसे एक सिंपल वर्ड लेंगे और वो वर्ड है हमारे पास डिस्पाइज। क्या होता है डिस्पाइज? DESPIAC, डिस्पाइज का मतलब डिसलाइक और हेट। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर रहा। इसके लिए जोरदार ताली बजा देंगे, इनको टोटल मार्क्स होंगे, करेक्ट है। चलिए नीतीश जी, आपको अपॉर्चुनिटी है इनसे आगे निकलने का, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी आगे हमारे पास दो एक और आपके पार्टिसिपेंट्स बचे हुए हैं, तो आपके लिए भी एक साधारण सवाल लेंगे। आप हमको बताना है, चलिए कौन सा वर्ड ले, चलिए आप बता देंगे हमारे पास व्हीकल, WHITTL, हाँ लेसन होता है, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, बहुत बढ़िया। इनके इनका भी फाइव वाला बिल्कुल करेक्ट होता है, इनको मिल गया है टोटल पे टोटल 9.5। और मोरू, अभी आप चाहते हैं विनर होना, एक साधारण सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछू, लगभग हम लोगों ने कैच ही कर लिया है। चलिए कोई वर्ड, चलिए आपको बता देना, क्लाइंटी सैड सर, ग्लूमी। इनको आंसर नहीं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन थ्री था, इनसे वर्ड थ्री था वो। प्लेंटी का मतलब होता है नाराज, नो सॉरी निराश, इसको कह सकते हैं, उदास कह सकते हैं। तो आज का विनर है हमारे मोनू, तो हम लोग कलेक्टिवली ताली बजाइए, पुट योर हैंड्स टुगेदर। तो फ्रेंड्स, आज की एक्टिविटी कैसा रहा, और हम जरूर चाहेंगे अभी ये हमारा सेशन शॉर्ट अच्छा लगा हो, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की मजेदार और भी एक्टिविटी लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए ठीक है।